हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे यहाँ फ्रेंड्स 36-37 डिग्रीज तक का टेम्परेचर आ चुका है, यानी कि ये जो दिन का टेम्परेचर है वो 36 अगर आ चुका है तो बाद में एक चीज़ आपको अपने रोज़ के पीछे ज़रूर करनी है और वो है मल्चिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे प्लांट के मीडिया के अंदर से पानी भी इवोपरेट होता जाएगा। आपका प्लांट का मीडिया बहुत जल्दी सूख जाएगा। मीडिया इज इक्वल टू पॉटिंग मिक्स। जो भी आपने पॉटिंग मिक्स ली है, भले ही वो सिंडर हुआ, कोकोपीट हुआ, मिट्टी हुआ, या तो कोई भी पॉटिंग मिक्स अगर आपने यूज़ किया है तो उसको मल्चिंग करना ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कोकोपीट का भी नाम दिया है। कोकोपीट को भी मल्चिंग ज़रूरी है ये समर सीज़न में। क्यों ज़रूरी है तो वो सारी डिटेल्स आगे ये वीडियो में मैं बताऊँगा, ताकि आप पूरी वीडियो अच्छी तरह देखो, आपको समझ आना चाहिए कि क्यों हमें मल्चिंग हमारे सारे मीडिया में करना ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, मैंने अपने जो पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अब से हमें अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं लेने हैं। ये मेरा वन ऑफ द प्लांट है जो अराउंड 7 मंथ्स पुराना है, और ये प्लांट का नाम है आबरा का डाबरा। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। रिसेंटली ही मैंने लास्ट ईयर इसको परचेज़ किया था। अभी जैसे कि ये प्लांट की कंडीशन देख रहे हो, बहुत अच्छे पत्ते इसके निकल रहे हैं, पूरी तरह ये प्लांट ग्रो हो रहा है। लेकिन समर सीज़न में इसके पत्ते की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि पत्ते को हरा भरा रखने के लिए, पत्ते के ऊपर ड्राइनेस अवॉइड करने के लिए हमें इसको मल्चिंग करना होगा। कौन कौन सी चीज़ों का मल्चिंग हम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाऊँगा। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पीच एवलेंच का प्लांट है और ये हमारा आबरा डाबरा का प्लांट है। तो पीच एवलेंच का प्लांट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मल्चिंग की है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पॉटिंग मिक्स के पास जाएंगे, ये कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है और जैसे कि देख रहे हो मैंने टूटे हुए पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं। अब ये जो टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हैं, ये किस हिसाब से आपके प्लांट के वाइट रूट्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे? सबसे पहला फ़ायदा ये देंगे कि जैसे ही आप वाटरिंग इसके ऊपर करोगे तो ये सारी हीट अपने अंदर सक कर लेगा और मीडिया को ठंडक पहुंचाएगा। यानी कि जितनी गर्मी होगी वो सारी गर्मी ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं वो सारी अपने अंदर सक कर लेगा और मीडिया हमारा ठंडा रहेगा। ये पहला बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा, जैसे ही फ्रेंड्स ये पुराना होता जाएगा तो इसके जो पीछे की साइड ग्रीन कलर की एल्गी लगना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर आप हमेशा इसको ऐसे ही बंद करके रखोगे तो उसके ठीक नीचे ग्रीन कलर की धीरे धीरे करके एल्गी जमा हो जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये एल्गी क्या करेगी, ये एल्गी ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर लेगी। जैसे जैसे वो ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर लेगी तो मीडिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ से अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मीडिया को हल्का हल्का ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा, जो प्लांट के रूट सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये दो मेजर बेनिफिट है जिसकी वजह से हम ये मिट्टी के टुकड़े रख सकते हैं। अगर आपके पास ये मिट्टी के गमले के टुकड़े रहेंगे, जो पुराने गमले हैं उसके मिट्टी के टुकड़े रहे, उस पुराने मिट्टी के गमले हैं उसके टुकड़े रहेंगे, तो बाद में उसका यूज़ ज़रूर कर लीजिए, उसको कचरे में बिल्कुल भी मत डालिए। और जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी पुराने मिट्टी के टूटे हुए पॉट के टुकड़े थे वो सारे मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मेरे पास ज़्यादा टुकड़े नहीं हैं तो मैं अब दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी मैं आपको बताऊँगा। आप अगर सूखे पत्ते वगैरह मल्चिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी कि जैसे ही आप सूखे पत्ते वगैरह आप मल्चिंग करते हो तो उसके अंदर कीड़े बीमारी वगैरह लगना शुरू हो जाएगी, फंगस भी लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पत्ते हैं ये पत्ते डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। डीकम्पोजिशन प्रोसेस में ये होगा कि वो पत्ते मीडिया के अंदर से सारा नाइट्रोजन अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में जाएंगे और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डीकम्पोजिशन प्रोसेस में जाता है वो धीरे धीरे नाइट्रोजन सक करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपके मीडिया के अंदर से नाइट्रोजन वो सूखे पत्ते ले लेगा और आपके प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और आपके प्लांट के पत्ते ऐसे हरे भरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ये मिट्टी के टुकड़े रखोगे तो वो बहुत अच्छा है। ये मिट्टी के गमले के टुकड़े आपके प्लांट को ठंडक पहुंचाएंगे, रूट सिस्टम को ठंडक पहुंचाएंगे और ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, तो ये बहुत अच्छी मल्चिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ड्राई पत्ते हम डालेंगे तो बाद में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो उसके सामने आपको प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देना होगा।
अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर रेगुलर प्रोवाइड करते रहोगे अपने प्लांट में, तो बाद में आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे रहेंगे। लेकिन अगर आप सूखे पत्ते यूज़ करते हो और उसके सामने आप कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते, सिर्फ सिंपल पानी ही डालते रहते हो, तो बाद में प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्लांट दुबला पतला हो जाएगा, आपके प्लांट के अंदर ग्रीनरी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए ड्राई पत्ते की अगर आप मल्चिंग करते हो तो एक चीज़ समझ के चलिए, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या तो कोई भी ऐसे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहिए। और इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स आपको डिकम्पोजिशन का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी के पॉट के टुकड़े हैं ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, उल्टा ये मीडिया को ठंडक पहुंचाएंगे। तो ये हमारा पहला हो गया जो हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तरीका। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो प्लांट हम देख रहे हैं, ये आबरा का डाबरा का प्लांट है और इसके जो पत्ते देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। और सबसे पहले नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी बेजल शूट्स इसके ऊपर डेवलप हो रही है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत बेजल्स डेवलप हो रही है। इसके अंदर भी फ्रेंड्स मैंने कुछ पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी कोकोपीट भर दूंगा, क्योंकि कोकोपीट बहुत कम हो चुकी है जैसे कि देख रहे हो, तो मैं कोकोपीट भर दूंगा। गर्मी की सीज़न में फ्रेंड्स ये चीज़ आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप अपने पॉट को खाली रखोगे तो बाद में ये आपके प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा। और कोकोपीट वाले प्लांट में ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने प्लांट के अंदर कोकोपीट भर के रखिए, ताकि प्लांट को मॉइस्चर की कमी ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कोकोपीट भर दिया है, अब हम इसकी मल्चिंग करेंगे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, नीचे हमने पत्थर के टुकड़े रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर कोकोपीट डाल दिया। इससे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, प्लांट के वाइट रूट्स डेवलप होंगे, क्योंकि मिट्टी के जो पॉट के टुकड़े रहते हैं वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया एल्गी क्रिएट होगी और वो एल्गी रूट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। अगर आप बीच बीच में थोड़े पत्थर के टुकड़े रख भी देते हो तो कोई इश्यू नहीं होगा, आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, मैंने ये बकेट के अंदर कुछ चीज़ें डुबो के रखी है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है जूट की बोरी के टुकड़े। अब जो जूट आती है, जूट की जो कंतान बोलते हैं, वो कंतान की जो मटेरियल आता है, जूट जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने मार्केट से परचेज किया है और उसको मैंने कुछ ये हिसाब से ये शेप में कट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने राउंड शेप में इसको कट कर दिया है और बीच में से मैंने इसको एक कटिंग कर दी है। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा किस हिसाब से हमें इसको लगाना है। तो इसको मैंने पानी के अंदर डुबो के रख दिया है। पानी के अंदर डुबोने से ये पूरा पानी अपने अंदर सक कर लेगा और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसके अंदर जमा हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर से भी प्लांट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब हमें पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको राउंड शेप में कट कर देना है। और जैसे कि कैसे मैं इसको लगाता हूँ वो दिखा देता हूँ। अब जो हमने जो बीच वाला हिस्सा हमने कट किया था कुछ ये हिसाब से, जैसे कि देख रहे हो ये जो बीच वाला हिस्सा हमने कट किया था, वो हम ऐसे करके उसको लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जूट की बोरी का मल्चिंग अगर आप करोगे तो बाद में आपके प्लांट के अंदर पानी का इवोपरेशन नहीं होगा। आप सुबह जैसे ही पानी डालोगे, हमें इसके ऊपर ही डायरेक्ट पानी डालना है, जैसे कि आप सुबह इसके ऊपर पानी डालोगे तो ये गीला हो जाएगा और जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसके अंदर जो ऑक्सीजन रहेगा वो थोड़े देर तक लिए स्टोर रहेगा और धीरे धीरे वो रूट सिस्टम को पहुंच जाएगा। और साथ में इसके अंदर पानी का इवोपरेशन भी जल्दी नहीं होगा, आपका मीडिया ठंडा रहेगा, क्योंकि जूट की बोरी हीट अपने अंदर सक कर लेती है और बाद में नीचे मीडिया को वो ठंडक पहुंचाती है। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों की सीज़न में बहुत सारे लोग इस तरह से जूट की बोरी के पर्दे लगा देते हैं और वो पर्दे के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि अंदर सारी ठंडी हवा आ सके। तो सेम चीज़ फ्रेंड्स हमने ये मीडिया के अंदर भी की है, हमने ये जूट की बोरी ऊपर लगा दी है और बाद में जैसे ही हम पानी डालेंगे तो बाद में जो गर्म हीट है वो हमारे मीडिया के अंदर नहीं जाएगी और बाद में हमारे प्लांट के रूट सिस्टम ठंडे रहेंगे, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। रूट सिस्टम को ठंडे रहेंगे तो बाद में आपके जो प्लांट के ऊपर आपको ड्राइनेस नहीं देखने को मिलेगा, बर्निंग्स देखने को नहीं मिलेगा, आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे रहेंगे, प्लांट बहुत अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपके प्लांट के अंदर
वाइट रूट्स डेवलप होंगे। वाइट रूट्स को अंधेरा पसंद होता है, तभी जाके वो डेवलप होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। ये जो पत्थर के टुकड़े हमने रखे हैं, ये अंधेरा क्रिएट करेंगे प्लांट के आसपास, जिसकी वजह से वाइट रूट्स वहाँ ऊपर ऊपर डेवलप होंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी अंधेरा क्रिएट होगा और वहाँ पे आपको वाइट रूट्स डेवलप होते हुए दिख जाएंगे। अभी नहीं, एक महीने डेढ़ महीने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके प्लांट के ऊपर की साइड वाइट रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा वाइट रूट्स होंगे आपके प्लांट उतने ही खूबसूरत ग्रो होंगे। तो ये दो मल्चिंग मैंने अभी आपको सजेस्ट किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स कि ये जो बोरी का जो होल है वो एकदम ही बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए। बहुत बड़े होल भी नहीं रहने चाहिए, बहुत छोटे होल भी नहीं रहने चाहिए। जैसे कि देख रहे हो कुछ ये हिसाब से इसके होल्स रहने चाहिए। इतने होल अगर रहेंगे तो बाद में वो पानी को भी अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ठंडक भी क्रिएट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा बड़े होल होंगे तो बाद में इवोपरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, वो होल के थ्रू सारा पानी बाहर निकलेगा। तो हमें एकदम ही ब्लॉकेज भी नहीं करना है, थोड़े थोड़े होल्स रहने चाहिए ताकि एयर का इनटेक आउटटेक प्लांट कर सके मीडिया के अंदर, और बहुत बड़े होल्स भी नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से इवोपरेशन बहुत फास्ट हो। तो दोनों के बीच के हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये मीडियम होल्स है इसके, ताकि प्लांट को ठंडक भी मिल सके, एयर भी मिल सके और प्लांट आपका रूट्स भी प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो दो टाइप की मल्चिंग मैंने अभी आपको बताई है, ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। ये जो मल्चिंग है फ्रेंड्स, आप कोकोपीट में कर सकते हो, मिट्टी मीडिया में कर सकते हो और सिंडर मीडिया में भी कर सकते हो। वैसे आपने सिंडर मीडिया में बहुत जगहों पे देखा होगा कि ग्रीन नेट डालते हैं यहाँ पे, ये ग्रीन नेट का कवर करते हैं। देखिए, ग्रीन नेट अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है, आप ग्रीन नेट का कवर भी कर सकते हो, लेकिन ग्रीन नेट की जगह पे जूट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ग्रीन नेट मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। ग्रीन नेट मॉइस्चर को बाहर निकलने से रोकेगा लेकिन मॉइस्चर को होल्ड नहीं करेगा। इसीलिए ग्रीन नेट की जगह पे अगर आप जूट की बोरोई डालोगे तो वो मॉइस्चर को भी होल्ड करेगा और अंदर के जो मीडिया के अंदर के मॉइस्चर को भी बाहर नहीं निकालेगा और प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप अच्छे होंगे। तो ग्रीन नेट से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये जूट की बोरी है, जो आप मल्चिंग के दौर पे यूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द बहुत अच्छा सक्सेसफुल मल्चिंग है जो मैंने किया था। मैंने अराउंड ये दिवाली से पहले जो हमारे जो प्लांट की प्रूनिंग का टाइम आया था, तब मेरे यहाँ हीटनेस बहुत ज़्यादा थी, तब मैंने ये प्रोसेस किया था और तब का ये कटिंग मैंने करके ही रखा हुआ है। और विंटर सीजन में मैंने निकाल दिया था, रेनी सीजन में भी हम निकाल देंगे, सिर्फ गर्मियों की सीजन में हम इसको रहने देंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप अपने पौधे की मल्चिंग कर सकते हो, भले ही आपका रोज़ हुआ, हाइबिस्कस हुआ या तो कोई भी ऐसा पौधा हुआ जिसको मॉइस्चर पसंद होता है, वो मीडिया के ऊपर आप कुछ ये हिसाब से मल्चिंग कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।